Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अनदर चैप्टर दैट इज फ्रॉम क्लास फोर्थ मैरीगोल्ड यूनिट 10 द नोटी बॉय. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नोटी बॉय. देयर वाज अ नोटी बॉय एंड अ नोटी बॉय वाज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड. तो एक नोटी बॉय होता था, मींस एक शरारती बच्चा होता था और वो शरारत करता रहता था. और वह कहां गया? स्कॉटलैंड. The people there to see. Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry. ठीक है, तो वो वहाँ के लोगों को देखने गया था. उसने ये पाया, उसने ये देखा कि जो ग्राउंड है, जो उसकी लैंड है, वो बहुत हार्ड है. जो यार्ड है, जो बगीचे वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े है. और जो सॉन्ग है वो मैरी है. मैरी मीन्स बहुत जॉयफुल सॉन्ग होते हैं, चीयरफुल सॉन्ग होते हैं. आगे देखते हैं. दैट अ चेरी वॉज एज रेड, दैट लेड वॉज एज वेटी, दैट फोर स्कोर वॉज एज 80, एंड दैट डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड. जो वहाँ की चेरी है वो रेड कलर की होती है, प्योर रेड की. एंड वहाँ पर जो लेड होती है, लेड एक मेटल होता है जो बहुत ही वेटी होता है, बहुत ही हैवी होता है, भारी होता है. दैट फोर स्कोर वॉज एज 80. फोर स्कोर का क्या मीनिंग है? कि वो 80 है. फोर स्कोर मीन्स 4 × 20, दैट इज 4 × 20 विच इज इक्वल टू 80. ठीक है, तो फोर स्कोर ही ये होता है, दैट इज 80. फोर इंटू, ठीक है, 4 × 20 दैट इज 80. दैट अ डोर वॉज एज वुडन, जहाँ वो जो डोर है वहाँ के जो दरवाजे हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, जैसे इंग्लैंड में पाए जाते हैं. सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड. और वह अपने शूज पे मीन्स खड़ा रहा और वे ये चीज़ नोटिस करता रहा, वंडर करता रहा. सो This poem is written by very famous poet, that is John Keats. So here we have our new words. These are new words. First is naughty, that is ill-disciplined, जिसको कहते हैं शैतान. Second, found, past form of found, ठीक है, second form होती है. Third is ground, यानी land. Merry means joyous and cheerful, means joyful and cheerful. Cherry, a cherry is a fruit which is fleshy drupe. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, चेरी इस तरह की होती है. आई होप आपने भी ये कभी खाई होगी, देखी होगी चेरी. अगला है वेटी, मीन्स हैवी. वुडन मीन्स मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी का बना होता है. ठीक है, तो ये हमारे हो गए न्यू वर्ड्स. एंड आगे देखते हैं question answer, that is reading is fun. So first question we have, from where did the naughty boy come? Naughty boy जो था, शरारती लड़का जो था, वो कहाँ से आया था? England से. ठीक है, the naughty boy came from England. Second is, where did the naughty boy go? जो शरारती लड़का था वो कहाँ गया? The naughty boy went to go Scotland गया. Third is, why did he go there? वो वहाँ क्यों गया? He wanted to know about the people, places, things and fruits of Scotland. तो वो इसलिए गया वहाँ पर ताकि वो जानना चाहता था स्कॉटलैंड के लोगों के बारे में, वहाँ की जगहों के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में और वहाँ की फ्रूट्स के बारे में. Fourth is, what did the boy wonder about? जैसे हमने पढ़ा कि वो वंडर करता गया. तो कौन कौन सी चीज़ें उसने पोएम में आप पढ़ी होगी, कौन सी चीज़ें जो है उसने वंडर की थी? सो आंसर इज, द बॉय वंडर्ड अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ स्कॉटलैंड, जैसे ग्राउंड एज लॉन्ग एज यार्ड, जॉयफुल सॉन्ग, रेड चेरी. अगला हो सकता है द फोर स्कोर ऑफ 80 एंड द वुडन डोर.
तो ये कुछ चीजें थी जिसके बारे में उसने वंडर किया था। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है एंड थैंक्स अ लॉट। और यही नहीं, आपको फॉरेन कंट्री स्कॉटलैंड के बारे में यहाँ पर इस पोइम में आपको पता लगा, एंड बहुत मज़ेदार ये जो है पोइम थी। सो थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मैंने आपको बहुत प्यार से ये वीडियो बनाई थी तो लाइक करना तो ऑब्वियसली बनता है दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको मेरे सभी वीडियोस की अपडेट आती रहेगी। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.